ट्रेनिंग नहीं है, SWR है। सर ये SS 479 से हम खोलने के लिए जाना है, आप आदेश चाहिए, फिर सेक्शन कंट्रोल में आदेश करेंगे, इसको हम उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद सर हम सर इंस्पेक्शन फ्रॉम गौरीगंज टू अमेठी एंड क्वालिटी ऑफ work as far as electrification is concerned, it is far excellent and it's very good. The entire team of RVNL staff, I mean, they deserves my appreciation or appreciation of the commission. There are some minor, you know, minor deficiency which has to be attended, but these deficiencies are very cosmetic in nature. And this is the act of omission, not the act of commission. I mean, and they will definitely meditate. अभी यहाँ से वो एक ट्रेन, सिर्फ इकलौती ट्रेन है जो इलाहाबाद को जाती है PRL, वो बंद कर दी गई है और महाकुंभ चल रहा है, ऐसे उसमें लोगों को समस्या है। एक्चुअली आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सो आई कैन ओनली टेल, आई कैन रिक्वेस्ट ऑन यूर बिहाफ दैट दे शुड स्टार्ट द ट्रेन अगेन। ओके ओके, बट आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट टू रेलवे अथॉरिटीज वाइसिंग योर कंसर्न। सर ओवरब्रिज की क्या स्थिति है? ओवरब्रिज बनना था यार, क्या है उसमें? ओवरब्रिज में रेलवे इज रेडी, रेलवे हैज गिवन द प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर अप्रूवल, बट दे आर नॉट एबल टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑन अप्रोचेज। जहाँ ओवरब्रिज के बाद आप नीचे उतरते हैं उसको अप्रोचेज कहते हैं, क्योंकि अप्रोचेज में क्या है, कुछ लैंड इक्वेशन आएगा तो उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जिनका स्ट्रक्चर है उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, तो ओवरब्रिज कितने दिन में बन पाएगा ये सारा का सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि बाय हाउ मच टाइम दे विल गिव क्लियरेंस एंड दे विल एक्वायर द लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट। बट फ्रॉम रेलवे साइड दे आर रेडी, आई मीन दे आर रेडी।